हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, आई मीन की पैकेज परचेज कर रहे हैं और वो पेंडिंग हो रहा है, तो गाइस कोई बात नहीं, आप वो आपका जो पेंडिंग दिखा रहा है वो आपका सही हो जाएगा। क्यों दोस्तों, मैं कल की वीडियो में भी बताया था कि मेरा 3 ID का जो पैकेज परचेज कर रहे थे वो पेंडिंग हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी सुबह सुबह जाके जो ID खोल के देखा हूँ तो तीनों ID में मुझे वहाँ पे $93 करके मतलब जो वॉलेट है, मतलब फंडिंग वॉलेट है, वहाँ पे ऐड हो गया है। और जब फंडिंग वॉलेट में जब आपका वो डॉलर ऐड हो जाता है, रिटर्न आ जाता है, तो फिर आप वहाँ पे जब पैकेज परचेज करने जाएंगे मार्केट प्लेस पे और वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक फंडिंग वॉलेट और जो आपका वॉलेट है वहाँ पे टिक लगा के आप विदाउट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। आई मीन कि जब ही पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका वो कनेक्ट परचेज हो जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप पैकेज परचेज कर सकते हैं। अगर आप पैकेज परचेज कर रहे थे और पेंडिंग हो रहा था, तो गाइस सिंपली आपको एक ही चीज़ करना है, आपको वो फोल्डर पे जाना है और वहाँ पे क्रिस सर का मैसेज ढूंढना है, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म भरना है और लगभग आपको यहाँ पे कितना दिन, आपको 4 दिन या 5 दिन वेट करना है। 4-5 दिन वेट कीजिएगा, आपका पैकेज सक्सेसफुल हो जाएगा और आप पैकेज सक्सेसफुल तरीके से बाद में देख पाएंगे कि हाँ, मेरा पैकेज परचेज हो गया है। अगर पैकेज परचेज नहीं हुआ है तो गाइस इसी तरह से आपका जो $93 है वो $93 आपका वहाँ पे फंडिंग वॉलेट पे ऐड हो जाएगा और फिर आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे और फिर पैकेज परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपका कार्ड या फिर क्रिप्टो किसी भी आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको $107 और प्लस $90 आपको फंडिंग वॉलेट पे ऐड रहेगा, वो दोनों पे क्लिक करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पैकेज परचेज हो जाएगा और फिर आसानी से आप पैकेज परचेज कर पाएंगे। तो गाइस, अगर आप में से कोई भी पैकेज परचेज कराना चाहता है मुझसे, तो दोस्तों आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को पैकेज परचेज करके मैं 100% दे दूंगा, क्रिप्टो करेंसी से या फिर कार्ड पेमेंट से। तो गाइस, अगर आप पैकेज अभी तक परचेज नहीं किए हैं तो दोस्तों पैकेज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं किसी को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ या फिर कंपनी भी किसी को फोर्स नहीं कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ कमीशन, कुछ इनकम मिले यहाँ पे, तो आपको डेफिनेटली पैकेज परचेज करना ही करना होगा। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो दोस्तों इतना दिन वेट किए हैं, इंतज़ार किए हैं, तो आपको उस इंतज़ार का यहाँ पे फल मिलना चाहिए। तो दोस्तों वो फल तभी मिलेगा जब आप पैकेज परचेज करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ या फिर कंपनी भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा है पैकेज परचेज करने में। अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप डेफिनेटली पैकेज परचेज करेंगे। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पे आप लोग न्यू चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।